अयोध्या जनपद के विकास खंड मसौदा की ग्राम पंचायत फिरोजपुर के प्रधान सोनम सिंह के ऊपर 15 लाख रुपए का गमन करने का गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया, तो वहीं इस मामले को लेकर गांव के निवासियों ने लगे आरोप को निराधार बताया। इस मामले में प्रधान के प्रतिनिधि सुधाकर सिंह और गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं ग्राम प्रतिनिधि सुधाकर सिंह का आरोप है कि तकरीबन 3.5 वर्षों से ग्राम पंचायत फिरोजपुर में जो काम हुआ है उस कामों को देखकर लोगों की आंखों में गड़ने लगा है, कैसे इतना विकास कार्य हो गया। और कुछ क्या कहा ये सुनाते आप। हमेशा करी थी, हमेशा पैसा मिलत है, जितना कही उतना पैसा मिल जाता है। अब प्रधान के में कोनो गलती है ना, प्रधान का ना रोजगार से कोई गलती नहीं। हमारे सब 20-22 साल से करते हैं, लेकिन जो आरोप लगा है बिल्कुल गलत है। क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं पूरा गलत है। कौन लोग है जो अब गांव के लोग हैं? अब कोई हमारे सामने ताया नहीं, हम तो कहीं जाते नहीं, हम घर रहते हैं। जो हम काम करी थी, काम पे आई थी, अब क्यों प्रधान का कोई शिकायत नहीं? प्रधान क्यों सतावत ना है? जौन जो काम करवाओ पैसा देवावत है। झूठी शिकायत करके आप हमारे ग्राम सभा को, हमारे ग्राम प्रधान को मीडिया के जरिए आप केवल बदनाम कर रहे हो। माध्यम से अधिकारियों से भी ये निवेदन करूंगा कि इस सच्चाई को देखें अच्छी तरीके से, यहाँ के विकास कार्य को देखें, यहाँ के प्रधान की ईमानदारी को देखें और इस प्रकार की शिकायत के लहजे को देखें। शिकायत में लिखा क्या गया है? केवल ऐसे कह देना, हम यार इतने लोग हैं यहाँ पे ग्राम सभा में, 2000 लोग हैं, कोई एक आदमी शिकायत कर दे कि साहब जांच की जाए, तो ऐसे रोजाना जांच होती रहेगी, उससे जो है ये विकास का कार्य बाधित होता है। अब आदमी प्रधान परेशान हो जाएगा हमारा, तो विकास कार्य बाधित होगा, विकास कार्य हो नहीं पाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से ये बात अधिकारियों तक तो पहुंचनी चाहिए कि फिरोजपुर का मामला है, फिर ग्राम सभा का जो है, इसके पहले एक हरिजन प्रधान हुआ करते थे हमारे यहाँ, जो है 15 साल उनकी भी प्रधानी रही। इसके पहले की प्रधानी, क्योंकि मेरी उम्र 60 वर्ष है और हमने तो बहुत दिनों से देखा है, जो 3.5 वर्ष में ये कार्य हुआ है आपके सामने दिख रहा है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप दिखाएंगे तो लोग दिख जाएगा आपको कि क्या क्या व्यवस्था है, क्या काम हुआ है। जो है शिकायत करने वाले तो बहुत तो नहीं हैं, एक दो लोग ही हैं, वो इतने गंदे हैं, अच्छा काम उनको पसंद नहीं आता है, अच्छा काम पसंद नहीं आता है। वो चाहते हैं हमारे जो है पीछे पीछे घूमे, हमसे सलाह लेके काम करें, लेकिन जब ग्राम सभा विकास का काम हो रहा है तो उसमें किसी सलाह लेने की जरूरत तो है नहीं। और आप देखेंगे जो है कि 80% जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है, पूरी तरीके से संतुष्ट है। काम आप देख लीजिए, एक पैसे कहीं हेराफेरी नहीं, कोई घपला नहीं है, आपके सामने तो विकास कार्य दिख रहा है जो है, फुल झूठा आरोप है, एक पैसे की सच्चाई नहीं। मैं ग्राम पंचायत फिरोजपुर की रोजगार सेवक सुमित्रा देवी ग्राम पंचायत में लगभग 12 साल से कार्य कर रही हूँ। मेरे गाँव के कुछ लोग मेरे खिलाफ़ जो है, मेरे खिलाफ़ प्रधान के खिलाफ़ कि जो है मनरेगा में बंदरबाट किया जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मेरे यहाँ ये नरेगा के सारे लोग आए हुए हैं, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। कितने का? कुल मिला के 15 लाख का। कौन? गांव के। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं बस। मित्रा देवी रोजगार। 3.5 वर्षों से जो मेरे ग्राम पंचायत फिरोजपुर में काम हुआ है उसको देखते हुए लोगों को आंखों में गड़ रहा है, कैसे इतना विकास हुआ। विकास की वजह से जो विकास ना हो पाए, रोड़ा बने उसमें, इस वजह से अगर ये विकास करेंगे, गांव की हमारी सम्मानित जनता है, उनके बीच में हम बने रहेंगे, उनके बीच में ना बने रहने की वजह से उनको बदनाम किया जाए। ग्राम प्रधान को केवल बदनाम करने के उससे विगत 3.5 सालों में जितना काम मैंने किया है वो गांव की जनता सब देख रही है। बेस पे इस की गई है कि हैंडपम्प मरम्मत हुआ है, आपने उसमें पैसा निकाल लिए, फर्जी पैसा निकाल लिए, आप खा गए उसको, इंटरलॉकिंग है, मिड डे मील में जैसे है हमारा मानना है सामान दे देते हैं, जो मैडम देखती हैं, जो बनवाती हैं, जो उनको रहता है, जो अपने मीनू के हिसाब से बनवाती हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं जो वहाँ पे सामान रहता है उसको मैं दे देता हूँ, मुझे अगर कहेंगे कि आज भैया इतना लगना है मैं उसको दे देता हूँ। मैडम रहती हैं, मैडम बनवाती हैं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं रहता है। इंटरलॉकिंग लगी है, आपके सामने लगी हुई है, इसमें क्या कमी है, क्या भ्रष्टाचार किया है, ये तो वही बता सकते हैं। बताएं, आपने 2-4 लोग जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, उसकी वो जाँच करें, मैं जाँच में पूरा सहयोग करूँगा। उन्होंने गमन का आरोप होता है, मनरेगा की 6 महीने में होती है, हमारे जो राज वित्त के है ये 1 साल में होती है, उसमें कोई कमियां नहीं मिली है। ठीक है, हम आएंगे, हम जांच करेंगे,
उनका भी मनोकामना पूरी हो जाए। अगर अगर हमने अगर गलत किया है तो हमारे ऊपर आरोप सिद्ध होगा, अगर मैं निर्दोष रहा तो मैं जो आगे का जैसे ग्राम सभा फिरोजपुर का, जैसा कि कौन से गांव का ग्राम सभा फिरोजपुर का मामला है, और आए दिन जो है प्रधान जी के ऊपर ऐसे आरोप बराबर लगते रहते हैं और जो कि निराधार हैं, जैसा कि इसके पूर्व में जिन्होंने भी बताया बार मतलब महिलाओं ने जो चीज़ बताया एकदम निराधार है, निराधार है, उसके प्रति हमें कुछ कहना नहीं है आगे। बाकी कुल मिला के आपके माध्यम से अधिकारियों तक यह बात पहुँचे और प्रधान जी मतलब निर्दोष हैं, ये बात आप अपने मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुँचाएँ और मामला पाक साफ हो, यही मेरा कहना है। मैं बृजनाथ सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य।